शुरू के 10 दिन बहुत रोया, अब तकलीफ कम है, पर वो दर्द चुभता आज भी है। तो पहले ये कि आप लोगों से एक विनती है, मैं जब ऐसे करूं आप बस इतना कहिएगा कि तुम हो कमाल सा। कैसे कहोगे? चलो शुक्रिया। तो कुछ नहीं हूं मैं, एक आशिक हूं आम सा। कुछ नहीं हूं मैं, एक आशिक हूं आम सा, फिर भी सब कहते हैं जो भी गुजारिश मेरे कानों से गुजरती है, जो भी गुजारिश मेरे कानों से गुजरती है उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाता हूँ। खुद के पास बेशक कुछ नहीं, पर मैं औरों की खुशी जोड़ने में जुड़ जाता हूँ। इंसानियत है ये क्योंकि मैं हूँ बस एक इंसान आम सा। इंसानियत है ये क्योंकि मैं हूँ बस एक इंसान आम सा, फिर भी सब कहते हैं। खुद की चाहत में इस कदर डूबा हूँ मैं, खुद की चाहत में इस कदर डूबा हूँ मैं कि हर उठती लहरों में अपना ही नाम सुनता हूँ मैं। पर अगर एक पल के लिए ना करूं खुद की तारीफ, पर अगर एक पल के लिए ना करूं खुद की तारीफ और कहूं कुछ नहीं हूं मैं, बस हूं एक कलाकार आम सा, फिर भी सब कहते हैं तुम हो। शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। सब कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, तो हम समझते हैं रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, पर दोस्तों में भी ब्रेकअप होता है। तो अच्छा, सच्ची दोस्ती है तभी होता है। तो इस पोएट्री का नाम है, राइटल है, पहले जैसी बात अब कहाँ। शायद पहले हम ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, शायद पहले हम ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, अब वो जोश, वो तूफान, वो पागलपन कहाँ। अब तो बस साथ में वक्त कट रहा है, वो पहले जैसी बात अब कहाँ। अब किस्सों के रूप में वो साल भर पुरानी बातें हैं, अब किस्सों के रूप में वो साल भर पुरानी बातें हैं। नए किस्सों का होना अब कहाँ, अनजानों सा सवाल होता है अब कि कैसे हो, वो पहले जैसी बात अब कहाँ। सिर्फ पुरानी तस्वीरों में साथ है, अब वो बेफिजूल का मिलना कहाँ। और जन्मदिन की मुबारकबाद देता है वो मुझे गैरों सा, और जन्मदिन की मुबारकबाद देता है वो मुझे गैरों सा, वो पहले जैसी बात अब कहाँ। गहरा होना था जिस रिश्ते को वक्त के साथ, गहरा होना था जिस रिश्ते को वक्त के साथ, वो कहने को है पर बचा कहाँ। देने को दलीलें दे दोगे तुम अपनी दोस्ती की, पर पहले जैसी बात अब कहाँ। तुम अब कहाँ, तुम अब कहाँ, कैसे और किसके साथ हो, तुम अब कहाँ कैसे और किसके साथ हो, ये किसे पता। बात बात की खबर देने की अब वो बात कहाँ, और होने को बातें हो जाती है पर पहले जैसी बात अब कहाँ। भैया एक सेकंड ही पकड़ना ना। ये ना मैं ज़्यादातर प्यार मोहब्बत पर लिखता हूँ, तो मैंने ना इस बार कुछ सोचा अलग लिखूँ। तो सुनिएगा कि जब किसी से मिलते वक्त झूठी हंसी का सहारा लेना पड़े ना, तब समझ जाइएगा कि जिंदगी का सबक मिल गया है हमको। तो उस पर लिखा है, पहले मुस्कुराता तो बोझ हल्का लगता, पहले मुस्कुराता तो बोझ हल्का लगता, अब मुस्कुराना भी बोझ लगता है। पहले मुस्कुराता तो बोझ हल्का लगता, अब मुस्कुराना भी बोझ लगता है। खुलकर मुस्कुराना तो मैं कब का भूल चुका हूँ, अब बस हंसी चेहरे पर रखना याद रहता है। एक पल था जब घर से दूर जाने का भूत सवार रहता, अब घर लौट जाने का ख्याल रहता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पहले मानता था अब मुझे ये सवाल लगता है। एक ये कि वो जिन्होंने हमें छोड़कर जाने से पहले एक पल भी नहीं सोचा, ये उनके लिए होता है ना कि मोहब्बत थी बीत गई कब की, पर हमारी सुई अब तक उसी पे अटकी है। तो ये कि मेरे हाथों से खिसकता तुम्हारा हाथ मुझे याद आज भी है, मेरे हाथों से खिसकता तुम्हारा हाथ मुझे याद आज भी है। तुम्हारा वो जाने का कहना मुझे याद आज भी है, तुम्हारा वो फिजूल बहाना मुझे खटकता आज भी है। शुरू के 10 दिन बहुत रोया, अब तकलीफ कम है, पर वो दर्द चुभता आज भी है।
तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आज भी है, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आज भी है, तुम्हारे नाम वाले लोगों के लिए दिल में खास जगह आज भी है। हालांकि ख्याल मोहब्बत और तुम्हें पाने की जिद आज भी है, हालांकि ख्याल मोहब्बत और तुम्हें पाने की जिद आज भी है, पर तुमसे शिकायत मुझे आज भी है। सालों तुम्हें बाहों में रखकर तुम्हें गले लगाने की तलब आज भी है माँ, सालों तुम्हें बाहों में रखकर तुम्हें गले लगाने की तलब आज भी है, मेरा गुस्सा एक तरफ पर तुमसे मोहब्बत आज भी है। शुक्रिया। तो